Hello, hello, mic testing, 1, 2, 3. I hope my GoPro is able to record whatever the stuff I'm speaking right now. And by the way guys, aaj hai, just a moment, aaj hai 3rd of December Saturday. And usually main ride pe jata hu, lekin is Saturday main ride pe nahi ja raha. Reason being, kyunki iska jo steering kit hai na, ye kaun sa hai, ye kharab ho chuka hai. And I have spoken to the person who is working in the particular workshop of automobile. So usne kaha ki we do have that cone set wala bearing, so you can come and get that cone set replaced. Maine bola theek hai bhai, no worries, pahunch jata aapke dealership, I mean workshop pe. I hope I don't get snapped by those cops for wearing a camera on the helmet. देख रहे हो गाइस, ये जो फोन सेट है ना, इसका एक ख़राब हो चुका है, इसके वजह से हैंडल ना काफ़ी वॉबली हो चुका है. तो मैं नहीं चाहता कि कहीं पे अगर मैं राइड पे जाऊँ तो ये हैंडल मेरे हाथ में आ जाए और मैं गिर जाऊँ. ऑब्वियसली आई डोंट वांट दैट. ओ भाई भाई भाई, मौसम काफ़ी प्लेजेंट हो चुका है एंड इट्स ऑलरेडी डिसम्बर, सो ठंडी भी बढ़ चुकी है. दिन में तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन रात के टाइम पे 10-11 बजे पता चलता है कि हाँ भाई, सच में विंटर आ चुकी है. एंड गाइस, देयर इज वन मोर थिंग व्हिच आई वांट टू इन्फॉर्म यू गाइस. वो ये है कि मैं जिस बंदे के पास अपना बाइक फिक्स करवाने वाला हूँ, वो पहले भी यूनाइटेड मोटर्स के सर्विस सेंटर में काम करता था. सो इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया टू हैंड ओवर द बाइक टू द रिस्पेक्टिव पर्सन जिसने इस पर ऑलरेडी काम किया हुआ है. इससे अच्छा ऑप्शन कुछ हो ही नहीं सकता, तो मुझे ऐसा लगता है. देख लो कितना हैंडल वो अभी हो चुका है. इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे ख़राब रास्ता आएगा ना, तो आपका जो हैंडल है ना, इतना वॉबल करेगा कि आपको ये रिस्ट से लेके शोल्डर तक आपको बहुत ज़्यादा पेन होने लगेगा. तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पहले फिक्स करवा लेते हैं इसको. बाय द वे गाइस, अपनी बाइक चल चुके हैं अब तक इन कितने सालों में. 2016 में ली थी. इट्स 2022 ईयर एंड, तो इट्स बिन अराउंड मोटा मोटा 6 ईयर्स ऑफ सडन दिस बाइक. एंड सो फॉर इट हैज कवर्ड 23,370 किलोमीटर्स. तो बाइक इज परफॉर्मिंग रियली वेल, द क्लच इज वर्किंग गुड एंड द वॉल्व इज ऑल्सो परफॉर्मिंग अप टू फुल कैपेसिटी इन स्टार्टिंग द बाइक. ठीक है, मैं सीधा सीधा ही चले जाता हूँ यहाँ से ना, यार बहुत रश होता है. इट इज़ बेटर कि मैं सीधा सीधा ही निकल लूँ एंड वहाँ से, ओ भाई भाई भाई, एंड वहाँ से मैं राइट मार लूँ ताकि मैं वेस्ट में जा सकूँ. एंड जैसे कि आप देख सकते हो वैसे इसका पाउडर कोटिंग भी पूरी तरह निकल चुका है. फॉरगॉट टू एक्चुअली गेट वन मिरर. मेरे पास राइट साइड के 2 मिरर्स या लेफ्ट साइड के भी 2 मिरर्स एक्स्ट्रा पड़े हैं मेरे पास. अरे यार, मैं लाना भूल गया. एंड मुझे इसका ब्रेक पैड भी चेंज करना है आगे का. नो वरीज, हम अगर वहाँ मिला तो हम वहीं से ले लेंगे ब्रेक पैड. नहीं तो मेरे पास इसका ऑल्टरनेटिव ब्रेक पैड का ऑप्शन है. देख लो गाइस, वैसे खराब पैसा आएगा नहीं. देखो कितना हिल रहा है, कौन से कितना हैंडल हिलता है. इट इज़ नॉट अ गुड साइन. देर आर चांसेस कि कुछ दुर्घटना या फिर एक्सीडेंट भी हो सकती है इसमें. सो इट इज़ बेटर कि रिप्लेस एट द फर्स्ट साइक. सो फाइनली हमारा स्टीयरिंग किट आ चुका है एंड दिस इज द स्टीयरिंग किट एंड आई होप कि इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. हो जानी चाहिए, बहुत हो जानी चाहिए. एंड ये अपना व्लॉगिंग सेटअप, GoPro, हेलमेट, आई होप यार ये ठीक हो जाए, क्योंकि ये ना काफ़ी दिक्कत देता है पता है ये चीज़, अगर ये ठीक नहीं होगा ना तो. एंड ये गाइस, ये है क्लच प्लेट यूनाइटेड मोटर्स, आई मीन रेनेगेड का.
एंड मेरे बाइक में भी सेम क्लच फिटिंग यूज़ होती है, तो मेरे पास ऑलरेडी है माई क्लच वर्किंग गुड एंड सो फार हमें फिलहाल तो रिक्वायरमेंट है नहीं इसकी, तो जब होगा तब का तब देखेंगे, अभी तो अपनी बाइक चल रही है मक्खा रहेंगे। एंड सबसे महंगा पार्ट ये है एंड आई होप हो जाए। एंड सो गाइस आप भी मैं आपको दिखा दूँगी कितनी सारी कमांडोज यहाँ पे है सर्विस के लिए, ये भी है पैन एक बाहर है वो रेड वाली अपनी हस्ती है एंड यहाँ पे भी देखिए एक ऑरेंज है एक और वहाँ पे है एंड द पर्सन एंड द ओनर ऑफ दिस सर्विस सेंटर विल बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा बट ही इज अ लिटिल बिट शाय पर्सन, तो हो सकता है कि आए ना या फिर कैमरे के पीछे से ये बात करें। एंड आप उनसे पहले भी मिल चुके हो, उसने पहले हमारे हस्की की क्लच प्लेट भी चेंज की थी, उसका मैं अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे आई सेक्शन में या यहाँ पे आपको लिंक दे दूँगा तो आप वहाँ से देख सकते हो उसे। और वाइट गाइस फाइनली अपना कौन से पे काम चालू हो चुका है। मनीष सर व्हाट डू यू थिंक, हो जाएगा आज? हाँ हो जाएगा पक्का। और जाएगा आज तो मजा आ जाएगा। So finally अपना कॉन्सर्ट का काम हो चुका है एंड द बाइक इज़ वर्किंग रियली वेल मैन। अभी मैंने जिस इसको 3-4 किलोमीटर चला के देखा एंड यहाँ पे मैं ATM में आया था विड्रॉल करने के लिए। भाई दिस बाइक इज़ नाउ वर्किंग लाइक सुपर्ब। अभी हम निकलेंगे यहाँ से घर जाने के लिए। मैन क्या मक्खन जैसी बाइक चल रही है अभी यार, ऑसम। मतलब बिल्कुल भी बम्प ही नहीं लग रहा। देखो ये वाला पैच देखो, सिर्फ बाइक मूवमेंट करे लेकिन वो जो पिछली बार की तरह जो हैंडल का जो जर्क आ रहा था ना अभी बिल्कुल नहीं आ रहा। वाह मैन फाइनली आई एम हैप्पी कि मेरा एक काम सॉर्टेड हो गया। देखा अभी मैंने बाइक उछाली तो भी कुछ नहीं हुआ, थैंक गॉड। वाह आई एम रियली हैप्पी टुडे। अब हम जाएंगे सीधा घर पे एंड लंच करेंगे फिर देखते हैं और क्या हो सकता है। ऑल राइट गाइस तो फिर मिलते हैं डायरेक्टली हाईवे पे आपको, ठीक है? नहीं तो मैं आपको फिर यहाँ पे बोर करते रहूँगा। देखो ये बम्पर देखना कितना सॉफ्टली ले लिया है इसने, जो मैं खड्डे बुड्ढे में जो चला रहा हूँ बाइक मतलब नेक्स्ट लेवल चल रही है बाइक। टच वुड अच्छा चल रही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए फिलहाल आगे से।